नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ट्रेन में, बस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन पे एक पर्चा चिपके हुए देखा होगा अक्सर कि आपका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, प्यार में धोखा, वशीकरण। इन सारी समस्याओं के लिए आज ही मिले बंगाली बाबा से। कल बंगाल में जो रैली हुई उसमें वो बंगाली बाबा दिखाई पड़े जो चुटकी बजा करके सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। और सबसे खास बात इन बंगाली बाबाओं की आपने देखी होगी कि ये वशीकरण पता नहीं क्या चीज़ होती है, लेकिन उसमें बड़े माहिर होते हैं। खास तौर से लिखा होता है कि वशीकरण में माहिर बंगाली बाबा। तो वाकई में हमने बंगाली बाबा को देखा, उन्होंने प्रूव किया कि बंगाली बाबा वशीकरण में माहिर होते हैं। टीएमसी के कितने नेता, मंत्री, विधायक इन सब का वशीकरण करके अपनी पार्टी में ले आए, है ना। आजकल तो बंगाल में अगर कोई भी बाबा के पास अपनी समस्या लेकर के जाता है तो बाबा जी बगैर देखे सुने बोल देते हैं, भाइयों बहनों तुम्हारी ये जो समस्या है उसके पीछे एक औरत का साया है, समझ गए। हाँ, तो बस अगर तुम्हें अपनी समस्याओं से बाहर निकलना है तो उस औरत की ममता से बचना होगा, और जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करना होगा। फिर बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो औरत का साया बता रहे हैं वो औरत बहुत खतरनाक है बाबा। वो तो बोलती है खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, है। कोई बात नहीं यार मित्रों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उस औरत के सामने एक ही बात बोलनी है, जोर से जय श्री राम। बस वो इसी बात से डरती है। लेकिन बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो बोलती है खेला होबे, खेला होबे, तो बाबा खेला होबे की ये बात सही है, खेला होबे? आप क्या बोलते हो बाबा? मूर्ख बच्चा, तुम हमारे जैसे बाबा के ऊपर शक कर रहे हो कि खेला होबे कि ना होबे। अरे जब से ये बाबा इस देश में आया है तब से सिर्फ खेला ही तो हो रहा है। वो कहती है खेला होबे तो हम बता दें कि हम खेला करबे। बहुत जगह हमने खेला किया है, खेला बिगाड़ा है, खेला घुमाया है, तो खेला होबे हम खेला करबे।